बहुत सारे मिसअंडरस्टूड और गलत कंसेप्ट की तरह बॉडी बिल्डिंग में या फिटनेस में या फैट बर्निंग के लिए एक कॉमन कंसेप्ट हम यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं फास्टेड कार्डियो। यानी कॉमनली अगर हम इसे समझें तो जनरली लोग ओवरनाइट फास्टिंग के बाद सुबह बिना कुछ खाए सबसे पहले कार्डियो वर्कआउट करते हैं, जैसे कि रनिंग या साइकिलिंग या क्रॉस ट्रेनर्स, और वो कहते हैं कि ऐसा करने से उनका जो फैट बर्निंग है वो एनहांस होती है एज कंपेयर टू अगर आप कार्डियो करें जब आप कुछ खा लें। अब ये जो फिलॉसफी है या ये जो कंसेप्ट है इसके ऊपर रिसर्च बहुत क्लियर है, लेकिन अभी भी बिल्कुल ब्लाइंड तरीके से हम इसको फॉलो करते जा रहे हैं। ये जो कंसेप्ट है ये सबसे पहले एक फिटनेस एंटरप्रेन्योर और ऑथर बिल फिलिप्स ने इंट्रोड्यूस करा था, जो उस समय काफी सारे हॉलीवुड जो एक्टर्स थे एक्ट्रेसेस थे जैसे कि सिल्वेस्टर स्टालोन या डेमी मूर, इन सब का कंसल्टेंट था और ट्रेनर था। 1999 में बिल फिलिप्स ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था बॉडी फॉर लाइफ, एक बेस्ट सेलिंग बुक रही, और इसी बुक में उसने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। प्लस प्लीज अंडरस्टैंड, इस एरा में जो कंसेप्ट आ रहे थे वो मार्केटिंग पे ज्यादा बेस्ड थे, एक्सटेंसिव रिसर्च काफी लेट शुरू हुई थी जिसमें ऑलमोस्ट 90% से ऊपर जो कंसेप्ट उस जमाने में आए थे सारे गलत प्रूव हो चुके हैं। फिलिप्स ने अपनी उस बुक में बताया कि अगर आप हाई इंटेंसिटी कार्डियो वर्कआउट 20 मिनट का फास्टेड स्टेट में परफॉर्म करते हैं तो वो एक घंटे के कार्डियो वर्कआउट जो किसी मील लेने के बाद परफॉर्म करा जाए उससे बहुत बेटर होगा। और उसका रीजन उन्होंने ऑफ कोर्स ये दिया जो एक कॉमन सेंस अप्रोच भी है कि भाई अगर आप फास्टेड स्टेट में हैं तो आपकी बॉडी का जो ग्लाइकोजन लेवल है वो काफी लो होता है, तो उस स्टेट में जब आप कार्डियो करते हैं तो आपकी बॉडी फैट एज अ प्राइमरी फ्यूल सोर्स यूज करती है। अब ये सुनने में तो बहुत कन्विंसिंग होता है लेकिन बॉडी ऐसे काम नहीं करती। ये थ्योरी जो है जब रिसर्च हुई तो इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं करा गया। 2016 में एक रिसर्च स्टडी में दिखाया गया कि जो फास्टेड एक्सरसाइज होती है जिसे हम ट्रेनिंग लो भी कहते हैं वो जनरली हमारे उस स्टेज में करी जाती है जब हमारी बॉडी में जो फ्यूल है स्पेशली कार्बोहाइड्रेट है वो काफी डिप्लीटेड हो चुका होता है। इसका जो सबसे सिंपल वे होता है वो होता है 8 से 12 घंटे का फास्टिंग, जो हम रात को अगर हम एक पर्टिकुलर पे अर्ली डिनर कर रहे हैं तो उसके बाद अगर हम कुछ ना खाएं सुबह ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे तक, उसके बाद ब्रेकफास्ट से पहले फर्स्ट थिंग वी डू इज गो एंड डू अ कार्डियो वर्कआउट, तो ये कॉमन स्ट्रैटेजी यूज होती है, इसे हम फास्टेड कार्डियो कहते हैं। फास्टेड कार्डियो के और भी तरीके यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक होता है ट्रेनिंग ट्वाइस अ डे, जिसमें जो पहला वर्कआउट है वो करा जाता है कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम करके, लेकिन जो सेकंड वर्कआउट होता है वो जनरली फास्टेड स्टेट में करा जाता है। एक जो थर्ड तरीका होता है वो होता है एक्सट्रीमली लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रेनिंग विदाउट कार्बोहाइड्रेट इनटेक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 90 मिनट से ऊपर वर्कआउट कंटिन्यूसली कर रहे हैं तो आपकी बॉडी ऑलमोस्ट उस समय तक कार्बोहाइड्रेट से डिप्लीट हो चुकी होती है, ग्लाइकोजन डिप्लीट हो चुका होता है, तो उस टाइम आपकी बॉडी फैट स्टोर्स को यूज करने लगती है। दिस इज अनदर वे जिसे हम फास्टेड कार्डियो का फॉर्म या फास्टेड वर्कआउट या एक्सरसाइज का फॉर्म दे सकते हैं। 2011 में स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग जर्नल में रिसर्चर ब्रैड शॉनफील्ड ने एक स्टडी करी जिसमें उन्होंने बताया कि आप एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज सेशन में कितना फैट बर्न कर रहे हैं ये बहुत ही स्टूपिड होगा सोचना। आपकी बॉडी बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है और डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से अडाप्ट करती है और रिएक्ट करती है। आपकी बॉडी फैट को एज अ फ्यूल कैसे यूज कर रही है और कब कितना यूज कर रही है वेरियस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और ये फैक्टर्स जैसे कि एंजाइम सिक्रीशंस या हार्मोनल फैक्टर्स या फिजिकल फैक्टर्स, ये सारे के सारे वेरी करते हैं। इसलिए अगर आप फैट बर्निंग को समझना चाहते हैं और आपकी बॉडी पे वो कितना इंपैक्ट हो रहा है उसको आप एक वर्कआउट या दो वर्कआउट में आर टू आर बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते। फैट बर्निंग को असेस करने के लिए आपको लंबे समय तक उसको असेस करना पड़ेगा। इसी का कंसेप्ट मैंने अपनी एक और वीडियो में बताया था जिसका नाम था द मिथ ऑफ फैट बर्निंग जोन, जो आप अक्सर आप ट्रेडमिल या कार्डियो इक्विपमेंट के ऊपर लिखा हुआ देखते हैं कि इस पर्टिकुलर जोन में अगर आप इतनी इंटेंसिटी पे वर्कआउट करेंगे तो आपकी बॉडी जो फैट है वो ज्यादा बर्न करेगी। और मैंने आपको बताया था किस तरह ये लाइन तो ट्रू है लेकिन इसका ओवरऑल मतलब कितना गलत है। अब इसको सिंपली अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये समझते हैं कि जो हमारी जो बॉडी है वो दो तरह के फ्यूल यूज करती है वर्कआउट में एनर्जी के लिए, एक होता है कार्बोहाइड्रेट एक होता है फैट। अब कौन सा फ्यूल यूज हो रहा है ये डिपेंड करता है वर्कआउट की इंटेंसिटी के ऊपर। अगर आपकी इंटेंसिटीज लो हैं तो आपकी बॉडी फैट को एज अ प्राइमरी फ्यूल सोर्स यूज करेगी। अगर आपकी इंटेंसिटी हाई है जैसे हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हैं जैसे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या स्प्रिंट्स कर रहे हैं तो इस केस में आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट एज अ प्राइमरी फ्यूल सोर्स यूज करेगी। बट प्लीज अंडरस्टैंड कि रिसर्च स्टडीज में क्लियरली बताया गया है कि फैट बर्निंग या कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है कि आपकी वर्कआउट की इंटेंसिटी कितनी और टोटल कैलोरी बर्न कितना है। जब आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं जिसमें उस समय में जो प्राइमरी फ्यूल सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट यूज हो रहा होता है तो आपकी जो बॉडी है वो ओवरऑल कैलोरी बर्न ज्यादा करती है। और उसके बाद जो कंसेप्ट आता है ईपॉक यानी एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन, यानी जब आप वर्कआउट खत्म कर चुके होते हैं जब रिकवरी स्टेज में होते हैं
तब आपकी बॉडी कौन सा फ्यूल सोर्स यूज कर रही होती है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। और आपकी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी आपकी बॉडी जो है कैलोरीज पोस्ट वर्कआउट बर्न करेगी, जिसे हम ईपॉक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 45 मिनट तक लेट्स से फास्टेड कार्डियो किया, जिसमें आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी फैट बर्न कर रही है, और आपने 45 मिनट्स की जो लेजर वॉक करी या थोड़ी फास्ट नॉर्मल पेस पे या थोड़ी हायर फास्ट पेस पे वॉक करी, तो आपने अप्रॉक्सीमेटली लेट्स से 200 कैलोरीज बर्न करी। अब फॉर एग्जाम्पल, 200 कैलोरीज में से 150 कैलोरीज आप जो थी वो फैट से आई, तब आपको लग रहा होगा कि जो मैक्सिमम जो मेरा फ्यूल है जो है वो फैट बर्निंग में जा रहा है। ऑन द अदर हैंड, आपने एक हाई इंटेंसिटी सेशन किया इससे कम टाइम का, ऑलमोस्ट इतने टाइम का, जिसमें आपने ओवरऑल कैलोरीज थी अप्रॉक्सीमेटली 500 से 600 बर्न करी, जिसमें से जो आपकी फैट बर्निंग जो कैलोरीज थी वो सिर्फ 250 थी, यानी 50% थी, बाकी कार्बोहाइड्रेट से थी। तो भी आपने एक तो नंबर ऑफ कैलोरीज बहुत ज्यादा बर्न करी, सेकंड तो भी जो आपका फैट बर्निंग जितनी कैलोरीज जो फैट से आ रही थी वो आपके उस लो इंटेंसिटी वर्कआउट से काफी ज्यादा है। इसलिए सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आपकी वर्कआउट इंटेंसिटी कितनी है, आपकी टोटल कैलोरी बर्न कितना है, राधा दान कि ये सिर्फ समझना कि कितना हमारा जो कैलोरीज है वो फैट से आ रही है। अब काफी लोग ये समझते हैं कि बिकॉज हाई इंटेंसिटी जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी जो फैट बर्न है वो कम होता है, क्योंकि जो प्राइमरी फ्यूल सोर्स यूज हो रहा है वो कार्बोहाइड्रेट्स हो रहा है। बट क्या आपने कभी कोई मोटा स्प्रिंटर देखा है या बॉडी बिल्डर्स देखे हैं? इनका ऑलमोस्ट सारा वर्कआउट हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होता है, और वर्ल्ड के सबसे ज्यादा फिट, स्ट्रांग और लीन मस्कुलर लोगों में से ये लोग आते हैं। जब मैंने इस कंसेप्ट पे स्टडी करी तो कुछ स्टडीज में बहुत ही सरप्राइजिंग कंसेप्ट निकल कर आया, जिसके बारे में शायद लोगों को नहीं पता। वो ये था कि जब आप फास्टेड स्टेट में मॉडरेट से हाई इंटेंसिटी कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो एज कंपेयर टू फेड स्टेट आपकी बॉडी ऑफकोर्स फैट को ज्यादा ब्रेक डाउन करती है। बट प्लीज अंडरस्टैंड, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ब्रेक डाउन, बर्न नहीं। आपकी बॉडी फास्टेड स्टेट में जब आप कार्डियो कर रहे होते हैं तो फेड स्टेट के कंपैरिजन में फैट को ज्यादा ब्रेक डाउन करती है, बट आपकी बॉडी इस कंडीशन में नहीं होती कि वो इस ब्रोकन फैट को एज अ फ्यूल सोर्स यूज कर सके। तो कुछ समय के बाद ये जो ब्रोकन फैट आपके ब्लड में जाता है ये वापस जाके फैट स्टोर्स में डिपॉजिट हो जाता है। तो सिर्फ ब्रेक डाउन से आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, विच इज अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग जो स्टडीज में देखा गया है। अब हम करते हैं ईपॉक की बात, जो मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, स्पेशली कि आप पोस्ट वर्कआउट कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। 1999 में जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन फिजिकल फिटनेस में एक स्टडी करी गई, जिसमें कुछ कोरियन रिसर्चर्स ने एक ग्रुप को चार डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करा, जिसमें एक ग्रुप ने लो इंटेंसिटी लॉन्ग ड्यूरेशन कार्डियो किया, लेकिन उससे पहले उन्होंने मिल्क में ग्लूकोज कंज्यूम करा। दूसरे ग्रुप ने लो इंटेंसिटी लॉन्ग ड्यूरेशन कार्डियो किया लेकिन फास्टेड स्टेट में वर्कआउट करा, यानी ग्लूकोज और मिल्क कंज्यूम नहीं करा। तीसरे ग्रुप ने हाई इंटेंसिटी शॉर्ट ड्यूरेशन कार्डियो करा लेकिन उससे पहले उन्होंने ग्लूकोज और मिल्क कंज्यूम करा। और चौथे ग्रुप ने हाई इंटेंसिटी शॉर्ट ड्यूरेशन कार्डियो किया बट फास्टेड स्टेट में करा, यानी ग्लूकोज विद मिल्क कंज्यूम नहीं करा। रिसर्चर्स ने सरप्राइजिंगली देखा कि दोनों हाई इंटेंसिटी और लो इंटेंसिटी ग्रुप में, वो दोनों ग्रुप जिन्होंने वर्कआउट से पहले ग्लूकोज मिल्क में कंज्यूम करा है, उनका जो ईपॉक था वो बहुत ज्यादा था बाकी फास्टेड स्टेट वाले ग्रुप के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक मील कंज्यूम करने के बाद, यानी कुछ खाने के बाद अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपका थर्मोजेनिक इफेक्ट एक्चुअली ज्यादा होता है। इसका मतलब है कैलोरी बर्न और फैट बर्न एक्चुअली ज्यादा होगा। इसका सबसे ज्यादा एडवाइस होता है जिनको अपना मसल मास को मैक्सिमाइज करना होता है, उनके केस में फास्टेड कार्डियो एक्चुअली आपको हार्म कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप देखते हैं उन स्टूपिड बॉडी बिल्डर्स को जो सुबह सुबह 4 या 5 बजे उठ के फास्टेड स्टेट में कार्डियो कर रहे होते हैं, उनका इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ मसल मास इज बिकॉज ऑफ मैसिव अमाउंट ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एंड ह्यूज डाइट। उनका पूरा फोकस उसी पर होता है। अगर आप एनाबॉलिक्स नहीं ले रहे हैं, इतनी डाइट कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो वो आधे या पौने घंटे का जो फास्टेड कार्डियो है वो आपको कुछ नहीं दे रहा है। इनफैक्ट इट इज जस्ट गिविंग यू अ नेगेटिव इफेक्ट, वो हार्म कर रहा है। अगर आप वेट लॉस या फैट लॉस अचीव करना चाहते हैं तो वो स्लोली लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जिसमें आपको एक छोटा कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए। एक या दो वर्कआउट में फास्टेड स्टेट में कार्डियो करने से आपको कोई खास फैट लॉस या वेट लॉस नहीं हो रहा, जो हम अभी स्टडीज में देख चुके हैं। ऑन द अदर हैंड, रिसर्च में भी देखा गया और एक कॉमन सेंस अप्रोच भी है कि अगर आप फेड स्टेट में वर्कआउट कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपकी जो ड्यूरेशन है वर्कआउट की, इंटेंसिटी है, वो हमेशा बेटर होगी। तो जो ओवरऑल कैलोरी बर्न है और फैट बर्न है वो हमेशा बेटर होगा। ऑन द अदर हैंड, 2018 की एक स्टडी में देखा गया है कि जो आपके कॉर्टिसोल लेवल है, यानी स्ट्रेस हार्मोन है, वो भी बहुत ज्यादा शूट अप करता है अगर आप फास्टेड स्टेट में वर्कआउट कर रहे हैं तो। अब ऑफकोर्स एक या दो वर्कआउट करने से, कुछ टाइम तक करने से ऐसा कोई मेजर इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड कि ये जो मिथ है कि फास्टेड स्टेट में कार्डियो करने से आपका फैट बर्न एनहांस होगा, इट इज अ मिथ, इट इज अ लाई, इट हैज ऑलरेडी बीन क्लियर्ड। लेकिन मुझे पता है कि अभी भी कुछ लोग
कुछ स्टूपिड वीडियोस को देखकर या अपने जो स्ट्रिंजेंट बिलीव्स हैं उन्हें तोड़ेंगे नहीं, उनको समझना नहीं चाहेंगे, चेंज नहीं करना चाहेंगे, वो अभी भी फास्टेस्ट स्टेट में कार्डियो करेंगे। तो आप करिए, आप मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि मैंने इससे रिलेटेड एक आर्टिकल लिखा है, बहुत एक्सटेंसिव आर्टिकल है, जितनी पॉसिबल स्टडीज थी इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को प्रूव करने के लिए मैंने उसमें दी है। इट इज़ अ प्रूफ फॉर यू गाइज और उन लोगों के लिए जो स्टूपिड कंसेप्ट फैला रहे हैं, अभी भी फैला रहे हैं, जो बहुत टाइम पहले क्लियर हो चुका है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज करना चाहते हैं, कोई भी वर्कआउट करना चाहते हैं, इट इज ऑलवेज बेटर टू वर्कआउट इन अ फेड स्टेट। ईट समथिंग एंड डू द वर्कआउट, इंटेंसिटी भी बेटर होगी, फैट बर्निंग भी बेटर होगा, पोस्ट वर्कआउट फैट बर्निंग यानी ईपॉक भी बेटर होगा। और ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोज के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।